तो बब्बू का यहाँ पे बीपी डाउन हो गया। क्यों है? क्योंकि कल हमने बताया था बब्बू का हो गया है लैपटॉप खराब। किसकी वजह से खराब हुआ? अरे उंगली करो यार, पापा की वजह से और एक इसकी वजह से। बब्बू का सारा डाटा उड़ गया, अब उसका बीपी लो हो गया। अब किस तरह जाके मनाओ उसे, ग्लूकोन डी पिलाओ उसे। ओहो बीपी डाउन में भी उसे डिमांड चाहिए, कॉफी चाहिए। कंप्यूटर है, पुराना चीज है, कभी भी खराब हो सकती है। हमारे ऑफिस में एकदम 10 सिस्टम खराब हो जाते रहते हैं, लगेगा तो भी वैसे काम। जिसकी वजह से हुआ तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। हम नेट से जुड़े रहते हैं, एंटीवायरस ये हार्डवेयर है, 24 घंटे हम वाईफाई से जुड़े रहते हैं। कुछ भी हम साइट देखते रहते हैं, कहीं पे भी जा सकता है। हमारे सेक्टर छोटे छोटे होते होते तो वो बब्बू बब्बू क्या क्या लैपटॉप ही तो खराब हुआ है, दोबारा कर लियो काम। अब दोबारा ही हो सकता है, नहीं चलेगा तो हम क्या कर सकते हैं। मैं तो इसके बाद जाने कहीं मेरे कोई मार दे। अरे कितने चांसेस है कि ठीक हो जाएगा? जीरो। कितने चांसेस है कि ठीक हो जाएगा? 100% चांसेस है कि ठीक नहीं होगा। क्या ये आम पन्ना? क्या सोचने गया वो गया ना, इससे हुआ ना पापा से, ऐसे भाई ने किया। तो गलत कर दिया, 200 GB वाला। अबे तो एक्सटर्नल का तो है, एक्सटर्नल भी तो होगा। आ गया, अभी कुछ नहीं आया। नहीं मतलब अब इंजीनियर साहब करेंगे ना। सर जी देखो भी बोल करेंट ले लेगा। पहली बोल रही हूँ आपको, तो भाई ऐसा क्या जान जा के देखो। मत दे फिर से। हां अरे पूरा तो सारा मार। बब्बू भी कह रही है तू ही कर देखा। हां कितना सीरियस हो के देख रहे सब। बस अब चलेगा, अब चलेगा। क्या सलवार लटक रही है? सलवार लटक रही है क्या? सलवार लटक रही है अब तो ले ली। टाई की सलवार है। अच्छा तो ठीक हो गया भाई, हुआ ही क्या पहले? अब देख जूम करके डालूंगी। बदतमीज बोल रही है, देख लो मैंने इसको कुछ बोला? बहुत बोलती है बदतमीज, बोल वैसे ना बोला कर। यही करती है। अभी अभी सुबह सुबह इसको ज्यादा गुस्सा आ रखा था, अभी ठीक हुआ है या नहीं हुआ है पता नहीं। पर किसकी वजह से हुआ था लगता खराब याद नहीं आ रहा। मैंने फिर भी सही बदल दिया था वो। अरे गलती क्या हो गया? उसके बाद तो खराब हुआ। तो बैठ तक तो कांदा चला गया। मेरा 10-12 साल पुराना सारा डाटा चला। ऑफिस का काम भी था। कोई भी रिकवरी होगा वो धीरे धीरे आएगा रिकवरी। 4 दिन लगेंगे रिकवरी होने में, 4 दिन ही मेरा क्रूशियल काम। तो कर दो आगे आज में रिकवर करो करो। आज तो नहीं होगा ना, एक्सीडेंटल तो होता है ना। अच्छा है, आप शायद मम्मी ने बोला था आप यूट्यूब, नहीं आप ही ने बोला था आप यूट्यूब पे नहीं आओगे। पापा ने बोल दिया था कल ही। क्यों ले रहे हो मुझको फिर? मैंने कल बोला था कि मुझे बिल्कुल भी शूट नहीं करना है, फिर भी मुझे शूट किए जा रहे हैं। व्यूज नहीं आ रहे ना। हां मेरी वजह से तो सारे व्यूज आते हैं, अब मैं नहीं आऊंगा ब्लॉग में। ठीक है भाई, आप भी जाना था वेस्ट वंडर। हम तो जा सकते थे, तू ही सर पकड़ के बैठी थी भाई। सर पकड़ने वाले काम ही किए तुमने? तुमने मैंने किए हैं इंक्लूडिंग यू ऑल। मेरे पीछे ताई आपको भी बोल रही है।
फोन पे इसलिए मैं सोने जाता ना मैं फिल्म देखती हूँ। तो ताई ने लैपटॉप ऐसे कैसे जाने दिया पापा के हाथ? ताई को भी बोल, ताई भी तो घर पे थी। तेरे पीठ पीछे हम दोनों बाहर नहीं गए थे। तो मेरा नाम कैसे आ रहा है? तेरा नाम नहीं है पर चाची का और चाचा का तो नाम है। इसका नाम होगा क्योंकि इसने मोबाइल पे डाउनलोड इसीलिए की थी। मैंने नहीं की थी, विवाही ने की थी। वो भी विवाही पे नाम लगा, वो भी मैंने नहीं की थी। चलो मुझे पैसे तो दे दो, मैं सामान लेकर आऊँ। तेरा लास्ट दिन में सारा काम रहता है, कल स्कूल जाना, आ तो नहीं निपटाना सारा काम। यही तो मजा है। व्हाट, सुना ही नहीं दे रहा है। बोलो 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 बोलो, दिख रहे हो आप? तू बेवफा बिल्कुल न थी। क्या है पागल है क्या? ये शाहरुख खान बनाया है फिर उन्हें। किसे मिलना है? किसी से मिलना है? पेंटर से। कलाकार से मिलना है? कलाकार बिजी है भाई, निकलो यहाँ से, टाइम नहीं है हमारे पास। तुम जैसे लोगों से मिलने हमारे पास, व्हाट यू मीन हमारे पास? तो हमारे पास अमंदर है तो हमारे बोलो। अच्छा पिरू के पास, पिरू के पास टाइम नहीं है ज्यादा तुम्हारे लिए। अभी सारा सामान नहीं आया? गणेश जी के लिए क्ले भूल गई। और बनाएगा कौन? और पहली बात तो ये टिकटॉक चलती है बगैर से, वो क्ले इतनी जल्दी सूखती थोड़ी है कि तू आज ही बनाएगी और वो आज ही सूख जाएगी। पता भी है सेट होने में कितना टाइम लगता है? बच्चों वाली क्ले तो बच्चों वाली भी गणेश जी कैसे ले जाएगी? ऐसे हिलता डुलता से गणेश जी थोड़ा ना ले जाएगी। बनाएगा कौन? तू स्कूल वाले बच्चे देखते सब बोलेंगे फिर काम करा रही खुद तो। सर को भी पता चल जाएगा। और वो मास्क का सामान लिया ही? वो भी बोला। तू पागल है क्या? भाग यहां से जल्दी। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और शायद सुबह सृष्टि ने ब्लॉग शुरू नहीं किया था और ऐसे ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था, तो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा मूड ठीक नहीं था, मेरा मूड अभी भी ठीक नहीं है, क्योंकि मैं इसलिए थोड़ा परेशान थी अपने डेटा को लेकर, क्योंकि उसमें बहुत सारा डेटा था एंड नॉट जस्ट ऑफिशियल डेटा, उसमें बहुत सारी ऐसी मेमोरीज थी जो हम चाहते भी वापस नहीं ला सकते। तो इसलिए मुझे थोड़ा ये लग रहा है कि इरेस्पॉन्सिबली बहुत चीज़ों को हैंडल करके वो चीज़ ख़राब हो गई, तो मुझे बहुत ख़राब लग रहा है क्योंकि मैं पर्सनली ऐसे इरेस्पॉन्सिबल कोई भी काम नहीं करती हूँ। मैं बहुत संभाल के रखती हूँ चीज़ें। और जो मतलब वो काफ़ी पुराना लैपटॉप है, उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। मतलब 12-15 साल पुराना लैपटॉप है, तो आप सोच सकते हो वो इतना प्रेशियस है जब भी आज तक मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। उसमें सारे पिक्चर्स, वीडियोज़, बहुत सारी चीज़ें थी ऐसे ऐसे लोगों की जो अब हमारे बीच नहीं है। तो वो डाटा जब लॉस्ट हुआ ना, तो मेरे को बहुत ख़राब लगा कि एक मतलब वो चीज़ मैं कैसे लाऊं वापस। और हमने काफ़ी जगह बात भी की कि कैसे वो रिकवर होगा, तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बता रहे हैं। अगर हम वैसे ट्राई करते हैं उसको रिकवर करने के लिए, तो वो भी अभी ट्राई करें, बट उसमें एटलीस्ट 4-5 दिन लग जाएगा, और वो भी पक्का श्योर नहीं है कि कितना डाटा वापस आएगा। बस वो कैसे भी वो डाटा वापस आ जाए, क्योंकि वो डाटा वापस आना बहुत ज़रूरी है। बट ये है कि जो फोटोज़ और वीडियोज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो मैं नहीं चाहती किसी भी कॉज पे वो की वो जाए। बचपन से लेकर आज तक की, पापा की, दादी की, दादा की, वो सारी मेमोरीज उसमें है। अभी तो मैं बस यही कह सकती हूँ कि वी कैन ओनली कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, तो वही ट्राई कर रही हूँ कि डाटा कैसे ना कैसे आ जाए। वो सही तो बात कर रहे हैं वो, मैंने सुन लिया, मैंने ठीक है भी बोल दिया, फिर पन्नी की बात कर रहे हैं। समझा रहे हैं, नहीं पता कि तू थोड़ा बिजी है, तो तूने एंड मोमेंट पे काम कर लिया स्कूल का। नहीं तो वो ठीक ही बात बता रहे हैं, वो जब प्लास्टिक बैन हो गया है। ठीक है, मैंने सुन लिया, पर वो सब्जी वाले भैया ने ले जाए, बोले ही जा रहे हैं। ये नहीं पता ना कि जिनको सुना रहा हूँ वो जरा जल्दी में है, बोल। बट सही है, प्लास्टिक यूज बैन। हाँ तो मैं उस पर बोल ही नहीं रही, वो पैसे ही नहीं ले रहे थे। अच्छा बाकी सब ठीक है, लेकिन ये बेड में ना फैला मत। पहली बात तो नीचे न्यूज़पेपर बिछा, ये पता भी है सिंथेटिक क्ले है, इसमें कितने तो केमिकल रहते हैं। या मेरी कोई वहाँ से नहीं, मम्मी भी हाँ मन ऐसा करता था कि मैं बस क्या करूँ, स्कूल बैग है, अभी मैंने बोतल वगैरह देखनी है, लंच देखना है, और ड्रेस में प्रेस, और ड्रेस एक ड्रेस तो आई ही नहीं। तो अभी हम प्ले से गणेश जी बना दे, पर मैं होली खेल के आ गई। ये तो शुरुआत में मेरा हाथ गंदा करने का भूल जाना, फिर कल पीटी वाली मैम पूछे की स्मेल भी आती है इसमें, और तुम गणेश जी बनाएगी कैसे? यूट्यूब से देख लिया?
टाइम लगाएगी, मैं जाती हूँ नीचे, आऊंगी मैं भी दिखाने। ओके छुप क्या रहा है, क्या लाई है? टेस्टी। पास से आना। ये कितने क्यूट वाले गणेश जी हैं ये। The art, the artist. अभी हमारे डिनर का टाइम हो गया है, डिनर में है सब्जी चावल। ये हरी रोटी पकाई है, मैंने रोटी बना खाऊंगी। कवर मत कर। मम्मी रोटी किसने बनाई? मम्मी रोटी कौन बनाता है इतने दिन से? पकड़ी गई। इतनी हैरान परेशान क्यों हो रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अभी मैंने बैग भी पैक कर लिया, मेरे गणेश जी वहाँ सुख रहे। तो अभी हम इस कॉइन करते हैं, तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, बाय। तो अभी हम इस ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। मार रही है यार ये, पीछे से नाखून मार रही है। दिखा नाखून। अभी हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं, तो ब्लॉग को लाइक कर। ये भी मैं बोलूँ क्या? कह बोल रहा हूँ। तो अभी हम इस तो मत बोल।